बहुत अच्छी होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लेट मी टेल यू, माय नेम इज रक्षिता एंड आई मेनली फोकस ऑन लाइफस्टाइल, फैशन एंड मेकअप कंटेंट। अगर ऐसे कंटेंट में आप इंटरेस्टेड है तो प्लीज मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो आज है दशहरा, तो हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। आई होप आपका ये दशहरा बहुत ही ज्यादा मंगलमय हो। आई एम श्योर ये वीडियो आपको दशहरा के बाद ही देखने के लिए मिलेगा, तो आपका दशहरा बहुत अच्छा हो गया होगा, ये मैं उम्मीद करती हूँ। तो चलो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का एक वीडियो है पीआर अनबॉक्सिंग, या फिर हॉल कह सकते हैं, क्योंकि अनबॉक्सिंग तो मैंने पहले ही कर लिया है। तो ये पीआर प्लस जो भी मुझे बार्टर कोलैबोरेशन की चीजें मिलती है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आई एम नॉट दैट बिग कंटेंट क्रिएटर समथिंग काइंड ऑफ, बट जितना भी मुझे अभी मिल रहा है आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट। तो कुछ कुछ चीज़ें मुझे एज इन गिफ्ट मिली है, कुछ कुछ कोलेब्रेशन जिनका मुझे कुछ डिलीवरेबल देना है, तो ऐसी सारी चीज़ें मुझे अभी मिली हुई है अक्टूबर मंथ में। तो उनका मुझे पर्सनली पीआर हॉल देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड दैट्स द रीज़न आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो। आपको भी देखने के लिए मजा आएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले वी शुड स्टार्ट दिस वीडियो। नरिश वाइटल्स कैंडी, ये क्रैनबेरी कैंडीज है और ये 100% नेचुरल है, कुछ भी आर्टिफिशियल स्वीटनर इसमें नहीं मिलाया है। आई एम जस्ट एंजॉयिंग दिस कैंडीज, यू कैन सी आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड हाफ ऑफ द बॉटल विद इन 2-3 डेज ओनली। इसमें कोई भी आर्टिफिशियल शुगर वगैरह कलर वगैरह कुछ भी मिक्स नहीं किया है, ये प्योर कैंडीज है। सो या आई एम एंजॉयिंग दिस कैंडीज, ये एक ड्राई फॉर्म में है जो काफ़ी ज़्यादा खट्टी मिट्टी सी लगती है। अगर आप ऐसे मिड टाइम स्नैक्स के लिए देख रहे हैं सो यू कैन ट्राई दिस कैंडीज, आई एम पर्सनली लविंग दिस प्रोडक्ट। नेक्स्ट आर दिस लिप एंड चिप टिंट, मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम से लेना था लेकिन मुझे एज इन पी आर में ये मिल गया। आई एम सो हैप्पी फॉर दैट, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इसका वीडियो कर रहे थे लिप एंड चीक टिंट का, तो मुझे मिला ना तो मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड इसी प्रोडक्ट के लिए थी। दिस आर फ्रॉम द आयुर्वेदा को कंपनी से ये है। तो इसमें दो वेरिएंट मुझे मिले हैं, वन इज अ बीटरूट लिप एंड चीक टिंट। मैं आपको थोड़ा सा ना स्वॉच करके दिखाती हूँ। तो इसे आपको बिल्डअप करना है क्योंकि ये नेचुरल टिंट है, अगर आपको एक ही स्वॉच में बहुत ज़्यादा मिल जाएगा तो वो इतना ज़्यादा नेचुरल नहीं लगता है। दैट्स द रीज़न उनको थोड़ा सा हल्का बनाया होता है कि आप उसे बिल्डअप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर लाइकिंग। तो ये एक लिप एंड टिंट का मैंने आपको दिखाया, एंड लुक एट द पैकेजिंग, इट इज़ सो क्यूट नो। एंड ये जो है ये पीच न्यूड टिंट है जो ऑब्वियसली अलग कलर में है। दिस इज अ लिप एंड टिंट इन अ पीच वेरिएंट। इसका ना फॉर्मूला बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा पिगमेंटेड है एज कम्पेयर टू बीटरूट। एक ही स्वॉच में सी हाउ मच प्रोडक्ट इज कमिंग। सो इसका जो पिगमेंट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है और इसका टेक्स्चर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बट एज इन कलर मुझे बीटरूट का वेरियंट ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन ये भी टोन पे ये कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। अदर प्रोडक्ट ऑल्सो इज फ्रॉम द आयुर्वेदा को कंपनी, ये उनका उपटन सीरम मुझे मिला है। ये कंपनी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, वाई बिकॉज इट्स 100% नेचुरल, सारे इंग्रेडिएंट इतने ज़्यादा रो फॉर्म में यूज़ किए गए हैं, उसकी वजह से मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा, कोई भी केमिकल इसमें एडेड नहीं है। एंड ये सीरम मैं अभी 4-5 डेज से यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, लगाते ही एकदम से आपके स्किन में ये अब्जॉर्ब हो जाता है और ये सारे के सारे नेचुरल चीज़ों से बना है। मैं ज़्यादातर इसको नाइट टाइम में यूज़ करती हूँ सो माई स्किन कैन गेट बेटर। या सो अगर आप नेचुरल प्रोडक्ट देख रहे हैं 100% आयुर्वेदिक तो ये कंपनी के प्रोडक्ट आप ट्राई कर सकते हैं। इनके जो मेकअप वेरिएंट है वो भी 100% नेचुरल से, सो यू कैन ट्राई दिस प्रोडक्ट। सो अदर थिंग इज़ फ्रॉम दी ब्रांड सैनपे, इट्स अंडर आर्म क्रीम। अगर आपको अंडर आर्म के रिलेटेड कोई भी इशू है जैसे कि स्मेल आना या फिर काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग होना, एनी थिंग रिलेटेड दैट, सो यू कैन यूज़ दिस क्रीम। इट्स अ डीओ प्लस क्रीम विच विल कंट्रोल बैड डिओडंट एज वेल एज इट विल कंट्रोल योर स्वेट।
तो मतलब अंडर आर्म के लिए स्पेसिफिकली बनी है। इफ़ यू आर सर्चिंग क्रीम जो आपके अंडर आर्म के प्रॉब्लम को कम करे तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। ये क्लेम तो यही सारी चीज़ें करती है, बट मैंने अभी फ़िलहाल के लिए यूज़ नहीं किया है, सो आई कांट कमेंट मोर अबाउट द क्रीम। डॉटन कीका ये न्यू लॉन्च है कीका कामिंग नाइट जेल, ये भी मुझे मिला है। दिस इज इन अ बार्टर डील। आई एम लाइकिंग दिस प्रोडक्ट बिकॉज इट हैज़ अ ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट एंड नियासिनमाइड एंड दिस पैड फॉर एक्ने प्रोन स्किन। आई एम यूजिंग दिस बट आई कांट कमेंट कि कितना एक्ने पे वर्क करता है क्योंकि एक दो दिन ही हुए है। सो या आई लाइकिंग द बॉटल। अदर देन दैट आई ऑल्सो गॉट दिस ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का विटामिन सी फेस वॉश। इसकी जो कंसिस्टेंसी है बहुत ही ज़्यादा जेल कंसिस्टेंसी है और फॉमिंग फेस वॉश नहीं है, बहुत ज़्यादा फॉम नहीं होता है। एंड और एक चीज़ मुझे इसका लगा कि एज कम्पेयर टू प्राइस इट हैज़ अ वेरी लिटल क्वान्टिटी। और इसके सिवा तो ये अच्छा है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। इफ़ यू हैव अ वेरी सेंसिटिव फ्रॉम कार्बामाइट, ये गमीज है जैसे मैंने आपको दिखाया पहले, वो नॉर्मल अपना कैंडीज की तरह है, लेकिन ये गमीज जो है ये एक मेडिसिन है। इफ़ यू हैव हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, तो काफ़ी टाइम डॉक्टर इसे रिकमेंड करते हैं। सो आई गॉट इट इन अ PR। तो इसमें स्ट्रिक्टली बताया गया है कि आपको ये दिन में एक ही बार खाना है, लेकिन ट्रस्ट मी ये आपको कोई भी कैंडीज से कम नहीं लगेगी। सी लुक एट दिस, इट्स इन लाइक अ कैंडी ओनली। इस पर शुगर क्रश कोड भी हुआ है, मतलब इट्स लाइक अ कैंडी ओनली बट इट हैज़ अ मेडिसिन प्रॉपर्टीज। तो इसके वजह से आपको दिन में इसे एक ही बार लेना है। तो अगर आपको कोई भी हेयर रिलेटेड या स्किन रिलेटेड इशू है तो आप इन कैंडीज को ट्राई कर सकते हैं। इसको कहा जाता है कार्बामाइट फोर्टे बायोटिन फ्रॉम सेवनिया गमीज फॉर गुड हेयर ग्रोथ फॉर स्किन एंड नेल। आई थिंक ये स्पेसिफिकली प्रोटीन से बनी होगी, दैट्स द रीज़न ये स्किन को हेयर को नेल्स को अच्छे करते हैं। या इसका पूरा अगर हम पढ़ेंगे तो हमको पता चल जाएगा, बट या दिस आर अ वेरी गुड कैंडीज फॉर अ स्किन रिलेटेड और हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम, यू कैन ट्राई दिस आउट। विच आई गॉट इट इज़ फ्रॉम द मिस्टिक लिविंग, इट्स देयर कलौंजी ऑयल। अगर आप हेयर रिलेटेड कोई भी इशू फेस कर रहे हैं, स्पेसिफिकली हेयर फॉल का प्रॉब्लम है और आप हेयर ग्रोथ करना चाहते हैं, तो आप ये हेयर ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। क्यों यूज़ कर सकते हैं, मैंने यूज़ नहीं किया है, बट वाई आई एम सजेस्टिंग यू, क्योंकि अनियन का बेनिफिट तो काफ़ी सारे हैं, मैंने काफ़ी वीडियो में बताया भी है। लेकिन बहुत लोगों का ये कंसर्न होता है कि अनियन का जूस या अनियन का वो ऑयल होता है वो डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाते हैं क्योंकि अनियन का स्मेल उनको आता है। सो इन दैट केस यू कैन यूज़ दिस कलौंजी ऑयल, क्योंकि कलौंजी मतलब अनियन के सीड्स होते हैं, उनसे ये ऑयल बनाया जाता है। और इसके वजह से आप इसे लगाएंगे तो आपको पूरे अनियन के बेनिफिट मिलेंगे और आपके हेयर ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा सो यू कैन ट्राई दिस एंड इट इज़ अ ओरिजिनल कलौंजी ऑयल। ओके, तो अगर आप सोच रहे हैं लेने का तो आप ये ब्रांड से कलौंजी ऑयल ट्राई कर सकते हैं। इफ़ यू डोंट वांट टू ट्राई फ्रॉम दिस ब्रांड, यू कैन ट्राई फ्रॉम एनी ब्रांड, बट यू शुड ट्राई कलौंजी ऑयल। अगर आप अनियन नहीं यूज़ करना चाहते तो दिस इज़ अ बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर दैट। आई गॉट इट इज़ अ हेडफोन, इट इज़ फ्रॉम द ब्रांड पेट्रॉन। तो अगर आप मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो करते हैं तो आपने मेरा लास्ट ईयर का व्लॉग देखा होगा जिसमें मैंने विंग्स ब्रांड का हेडफोन लिया था, बिकॉज आई डोंट नो कि मुझे PR में हेडफोन भी मिलेगा। सो दैट टाइम आई बॉट आई थिंक 800 rupees का और ये भी 800 rupees का है, सो आई हैव वेस्टेड 800 rupees। एनीवेज, तो ये पेट्रॉन ब्रांड का मुझे हेडफोन मिला है विच इज़ अ वेरी वेरी नाइस क्वालिटी हेडफोन आई मस्ट से। मैंने ऑलरेडी इसे सब निकाल दिया, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पैकिंग होके आया था। दिस इज़ हाउ दी हेडफोन लुक लाइक, काफ़ी अच्छे तरीके से पैकिंग होके आया था। अभी तो मैंने निकाल दिया है, उसका पूरा अवतार ख़राब कर दिया है, बट एनी वेज आई गॉट दिस ऑल्सो इन अ PR। और हीना मेहंदी एंड इंडिको मेहंदी दोनों ही नेचुरल है। काफ़ी सारे प्रोडक्ट मुझे इस बार नेचुरल मिले हैं क्योंकि मेरा फेवरेट पार्ट है, मुझे नेचुरल चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है जो केमिकल से
ना हो। तो ये नेश्रेना का इंडिको पाउडर एंड हर्बल हीना, ये दोनों का पैक है और ये 100% ऑर्गेनिक हीना है। अगर आप 100% ऑर्गेनिक हीना मेहंदी देख रहे हैं तो आप ये ब्रांड से ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में ये मिल जाता है। आई थिंक ये 250 समथिंग का है, या आई एम नॉट सर्च ऑन अमेजोन और फ्लिपकार्ट ऑन एनी वेबसाइट। ये टॉक्सिक फ्री है, हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट इसमें यूज़ किए हैं, इट्स अनफिल्टर और केमिकल फ्री, और क्या चाहिए। तो अगर आप कोई भी मेहंदी देख रहे हैं तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। अभी मैं तो मेहंदी नहीं लगाती हूँ, माइट बी माई मॉम और एनी वन जो भी मेहंदी लगाता है वो ये ट्राई कर सकते हैं। अनाउंसमेंट भी मुझे करनी है कि अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। वहाँ पे मैं जब मेरे 1000 फॉलोअर्स कंप्लीट हो जाएंगे देन आई विल प्लानिंग टू डू अ गिव अवे। तो अगर आप में पार्टिसिपेट करना है तो उसके पहले मेरे 1000 फॉलोअर्स करना होगा आपको, और उसके बाद में मैं गिव अवे होस्ट करूँगी जिसमें आपको फ्री प्रोडक्ट मिलेंगे। ओके, सो या मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम। एनीवेज अभी एक लास्ट प्रोडक्ट बचा है मेरे पास में, जिस रिलेटेड ये एक स्टैंड है जहाँ पे मतलब आपका जो बेसिन होता है वहाँ पे आप लगा के इतनी सारी चीज़ें ऐसे रख सकते हैं। मैं यहाँ पे फोटो डाल दूंगी तो आपको ज़्यादा आइडिया मिलेगा। सो दिस इज अ स्टैंड विच इज वेरी वेरी गुड क्वालिटी स्टैंड। तो ये हुक्स मिले हैं जिनसे ये हम लगा पाएंगे। सो दैट्स इट, इतना ही था, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई है और कुछ नहीं बचा है। दैट्स इट गाइज, आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। अगर अच्छा लगा है देन यू नो द ड्रिल, प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट में मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। गिव अवे का पार्ट भी आप ध्यान में रखिए और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लीजिए तो आगे के अपडेट आपको मिलते रहेंगे। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड स्टे पॉजिटिव। बाय।